बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ टेंथ क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। टेंथ क्लास आज हम लोगों ने अपनी क्लासेस का दोबारा से आगाज़ करना है, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 से करेंगे, चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनियों का नया साल। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के अंदर, इस लेसन के अंदर ये पढ़ेंगे कि इसका पर्पज़ क्या होता है, किन मकासद के लिए ये लोग चीनियों का ये त्यौहार है ये मनाया जाता है। इसके अलावा चाइना और चाइनीज़ फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद ये कि ये साल के किन दिनों में मनाया जाता है और इस तकरीबात में क्या क्या चीज़ें वक़ूअ पज़ीर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year. चीनियों का नया साल छुट्टी का दिन होता है, holiday छुट्टी का दिन होता है, that celebrates जो मनाया जाता है the beginning of a new year, नए साल के आगाज़ में, according to the Chinese lunar calendar। lunar कहते हैं students कमरी calendar को। तो लूनर कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि कमरी कैलेंडर के मुताबिक, कमरी किसको कहते हैं, यानी चांद की हरकत के मुताबिक जो महीने हैं या चांद को देखते हुए, जैसे चांद बढ़ता है या घटता है या कम होता है, ठीक है, उस हिसाब से चांद की गर्दिश के हिसाब से जो महीने होते हैं वो क्या होते हैं, लूनर कैलेंडर होते हैं, यानी वो मनाया जाता है लूनर कैलेंडर के मुताबिक, ठीक है। तो चाइनीज़ न्यू ईयर छुट्टी का दिन होता है जो कि साल के आगाज़ में मनाया जाता है, किसके मुताबिक, चीनियों के कमरी कैलेंडर के मुताबिक। इट कंसीडर्ड, ये समझा जाता है या ख्याल किया जाता है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज़ यानी बहुत अहम छुट्टियां फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़, चीनियों के ख़ानदान के लिए, ठीक है, इनको चीनियों के ख़ानदानों के लिए बहुत अहम छुट्टियां समझा जाता है। दी हॉलीडेज़ सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, ये जो छुट्टियां हैं वो मनाई जाती हैं विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, यानी बड़े ख़ानदानी इज्तमात, गिफ्ट गिविंग, तहाइफ देने से, द ईटिंग ऑफ सैम्बॉलिक मीन्स अलामती फूड्स, गज़ाएँ, ठीक है, खाने से क्या अलामती गज़ाएँ, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और क्या है, डिस्प्ले, नुमाइश करना, फेस्टिव स्टूडेंट फेस्टिवल से, यानी फेस्टिवल मीन क्या होता है, त्यौहार, और फेस्टिव मीन त्यौहारी, डेकोरेशंस, सजावटें। तो आगे स्टूडेंट्स हाइफन है, हम यहाँ इसकी ट्रांसलेशन करेंगे कि ये छुट्टियाँ बड़े ख़ानदानी इज्तमात, तहाइफ देने, अलामती गज़ाएँ खाने और त्यौहारी सजावटों की नुमाइश करने से मनाया जाता है। आल फोकस, फोकस मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, मरकज़ या मरकूज करना, ऑन ब्रिंगिंग, लेके आना, गुड लक, अच्छी किस्मत, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग, और मनाना, द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बहार की आमद को। सारी तवज्जो नए साल के लिए अच्छी किस्मत करने और बहार की आमद का जश्न बनाने पर मरकूज होती है। इन चाइना में लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर इज़ स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल हो रहा है, टू डिटरमिन क्या होता है स्टूडेंट्स, तयन करने के लिए, ट्रेडिशनल हॉलीडेज़, रवायती छुट्टियों, लाइक चाइना न्यू ईयर, जैसा कि चीनियों का नया साल। चाइना में कमरी कैलेंडर अभी तक रिवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि चीनियों का नया साल। सिंस द लूनर कैलेंडर, चुनाचे जो कमरी कैलेंडर है, इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून। फेजेस स्टूडेंट, जो फेज है वो हम दौर को कहते हैं, और फेजेस मीन क्या होगा, अदवार। चुनाचे लूनर कैलेंडर, कमरी कैलेंडर जो है वो मुश्तमिल होता है ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चांद के अदवार पर, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल, जिनका जो है साइकिल, या साइकिल कहते हैं स्टूडेंट चक्कर को, जिनका जो है
चक्कर वो छोटा होता है देन द सन सूरज से। चूंकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद या कमरी कैलेंडर जो है वो चांद की चांद के द्वार पर मुश्तमिल होता है, इसीलिए क्या है इसका जो साइकिल है चक्कर है वो सूरज की निस्बत छोटा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर द सेम डे ईच ईयर। चीनियों का नया साल जो है वो हर साल एक ही दिन पर नहीं होता, या चीनियों के नए साल की आमद कभी भी एक ही दिन को नहीं होती। बट टिपिकली लेकिन आमतौर पर फॉल्स मीन वैसे स्टूडेंट्स गिनने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे वाक्य होना या वकूअ पज़ीर होना। बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21st एंड फेब 20th, यानी क्या होता है कि मगर आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के कहीं दरमियान में आता है। सेलिब्रेशंस तकरीबात कैन एक्चुअली हकीकतन जारी रह सकती हैं लास्ट अप टू अ मंथ, क्या एक माह तक जारी रह सकती हैं, तकरीबात असल में एक माह तक जारी रह सकती हैं। हियर आर सम ट्रेडिशंस, यहाँ पे कुछ रवायात हैं एसोसिएटेड जो मंसूब की गई हैं विद चाइनीज़ न्यू ईयर, किसके साथ, चीनियों के नए साल के साथ। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रेडिशंस हैं ये हम कल के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसको देख लें स्टूडेंट्स। इसको लेके आपके इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज़ द चाइनीज़ न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, क्यों जो है चीनियों का नया साल वो सेम एक ही दिन पर नहीं होता। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर देख लें कि सिंस द लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द फेसेस ऑफ द मून, क्योंकि जो है लूनर कैलेंडर किस पे डिपेंड करता है, फेसेस ऑफ द मून पे, यानी किसकी फेसेस पे, चांद के अदवार पे, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका जो है वो चक्कर सूरज की निस्बत क्या होता है, छोटा होता है। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, इसी वजह से क्या होता है कि चीनियों का जो नया साल है वो किसी भी डेट पे मतलब आगे पीछे हो सकता है चांद की हरकत को देखते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या करना है, इसका आंसर राइट करना है, बाकी वर्ड मीनिंग्स और ट्रांसलेशन भी आप लोगों ने राइट करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट्स आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।